रायसेन जिले की मंडीदीप में आबकारी टीम पर हमला हुआ। दरअसल आबकारी टीम मुखबिर की सूचना पर मंडीदीप के वार्ड नंबर 6 में शुभम कुशवाहा के घर पर छापा मारकर कार्रवाई करने गई थी। इस दौरान शुभम कुशवाहा और उसके परिजनों ने आबकारी टीम पर हमला कर दिया, जिससे आबकारी अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वही आरोपियों ने सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी नेता अंकित चौरे और भाई संजय चौरे पर भी मामला दर्ज हुआ है। सभी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। कल शाम को लगभग 7:30 बजे हम दौरान गश्त पंडितीप में हमें सूचना मिली मुखबिर से कि शुभम कुशवाहा के घर में अवैध शराब भारी मात्रा में है। तो हम तुरंत अपने हमारा स्टाफ के साथ सरकारी वाहन पहुंचे। जैसे हम वहां पहुंचे, हमने 10 पेटी मदिरा वहां पे जब्त की, और चूंकि हमने जब्त कर ली थी मदिरा, तो हम पे असॉल्ट किया गया उसमें, और धारदार तलवार से, जिसमें शुभम कुशवाहा, संजय चौरे, अंकित चौरे, आबकारी विभाग भरत अब्दुल्लागंज से उपनिरीक्षक और उनके साथ में जवान मंडीदीप आए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि शुभम कुशवाहा के घर में अवैध रूप से शराब रखी हुई है। वो जब्ती के लिए गए थे और सर्चिंग वगैरह के दौरान घर वालों से विवाद हो गया। विवाद में मारपीट की घटना हुई। उसमें 5 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट, जिनमें अंकित चौरे, संजय चौरे, शुभम कुशवाहा, राम भरोसे और दीपक, ये नामजद हैं। कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। उनकी गाड़ी के कांच वगैरह भी फोड़ दिए थे। तो धारा 353, 332, 427, 294, 506, 34 के विरुद्ध।